तो गाइस आप सभी लोग जानते हो कि अभी का सीन है, अभी हम नॉर्थ में आए हुए हैं माउंटेन्स के साइड में। तो इस जगह पर आकर यार हमें ढूंढनी थी डॉक्टर जीरोस की लैब। तो यार जो ये रेड वाली लोकेशन है वो एक लाइट से निकलते दिखाई दे रही है आपको, वहां पर हमें पहुंचना है और डॉक्टर जीरोस की लैब पर पहुंच उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देना है एंड्रॉइड 17-18 के एक्टिवेट होने से पहले। और यार वेजिटा भी बहुत पहले का चले गया है और पता नहीं यार अभी क्या हुआ होगा। चलो देखते हैं यार वहाँ पर जाके ही पता चल पाएगा। कहाँ गई भाई, यहीं पर ही दिखा रहा है यार लोकेशन। तो लैब कहाँ गई, अच्छा ये रही। तो यार देखो हम आ गए यहाँ पर अपनी जगह पर। चलो यार अब देखते हैं कि इस जगह का क्या होने वाला है। ट्रंक्स और वेजिटा बाद में आए जबकि ये पहले के निकल गए थे। तो एंड्रॉइड 20 का तो यहाँ पर धमाके से बुरा हाल हो गया है। एंड्रॉइड 20 कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें बनाया है। तो यार बाकी के एंड्रॉइड्स कह रहे हैं कि तुमने हमको नहीं बनाया, तुम्हारे बर्बाद करने से पहले भी हमारी जिंदगी थी। तो एंड्रॉइड 20 कहता है कि मेरी बात सुनो, जो गोकू के साथ ही आ रहे हैं उन सबको तुम्हें एलिमिनेट कर देना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। तो एंड्रॉइड 18 कहती है कि तुमने सुना, ये एक ऑर्डर है 17। एंड्रॉइड 17 कहता है अब हम तुम्हारा एक भी ऑर्डर नहीं मानेंगे, हम अपना ध्यान अब खुद रख लेंगे। काफी खतरनाक वाली वार्निंग दे दी यार इस एंड्रॉइड 20 को। तो ट्रंक्स कह रहा है ये इस दुनिया में क्या चल रहा है। पिकोलो कहता है चलो भाई, एक और धमाके के बाद में एक और नया जीव आ गया सामने। यार ये प्राणी कहां से निकला है, ये तो यार सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में भाई। क्या बॉडी है, क्या हाइट है, क्या विथ है इसकी। एंड्रॉइड 17 अभी 18 से कह रहा है कि अब मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड्रॉइड 18 कहती है हे ये कौन है। एंड्रॉइड 17 कहता है कि हे मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी देखा है, तुम्हारा नंबर क्या है। तो वो बोलता है कि 16। तो यार एंड्रॉइड 17 कहता है एंड्रॉइड 16 हाँ इंटरेस्टिंग, तो यार तुम पहले वाले मॉडल लगते हो मेरे को। ट्रंक्स कहता है एंड्रॉइड 16, मैंने एंड्रॉइड 16 के बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्रेन कहता है रुको, तो ये वही एंड्रॉइड्स हैं जिसके बारे में डॉक्टर जीरो बात कर रहा था। पिकोलो कहता है ट्रंक्स क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि ये वही ओरिजिनल एंड्रॉइड हैं जिनके बारे में तुमने मेरे को वार्न किया था। ट्रंक्स कहता है हाँ पर मैंने इतना बड़ा एंड्रॉइड 16 पहले कभी नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने अपने टाइम में तो देखा नहीं है इसे। कहता है तो यहाँ पर चल क्या रहा है। वेजिटा कहता है किसको परवाह है, बस एक और ही तो कचरे के ढेर में लेकर आना है अपने। यहाँ पर भाई सब लोग चुप पड़ गए और सब के सब बस देख ही जा रहे हैं इसे। क्रिलिन कहता है रुको डॉक्टर जीरो किधर है। और एंडरसन बोलता है ओ वो बूढ़ा आदमी, मैंने उसकी देखभाल कर ली है। तो यार सबके सब यहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ गए और सबके सब की यार हवा टाइट हो गई है इन तीन एंड्रॉइड्स को देख के। तो एंड्रॉइड 18 कहता है कि कहाँ पर जाना है। एंड्रॉइड 17 कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ कि डॉक्टर जीरो जो चाहता था मैं उस चीज को करूँ, पर एक एंड्रॉइड के तौर पर हमें कुछ करना चाहिए। हे 16, तुमको तो स्पेसिफिकली गोकू को मारने के लिए ही बनाया था, सही का। करेक्ट, एंड्रॉइड 16 कहता है बिल्कुल सही। एंड्रॉइड 17 कहता है फिर अच्छा। तो यार टीएन कह रहा है ये किधर जा रहे हैं। क्रिलिन कहता है कि मेरे को ये मत बोलना आप कोई कि ये गोकू को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि यही डॉक्टर जीरो चाहता था कि वो गोकू को मार पाए। और वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, तो कह रहा है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि माइटी वेजिटा को ऐसे इग्नोर करके चले गए। तो यार ये तो बड़ा ही अजीब किस्म का प्राणी है यार ये वेजिटा अपना। तो यार वेजिटा का बिग बैंग अटैक यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, तो जल्दी से मैं बिग बैंग अटैक को ले लेता हूँ। यहाँ पर वेजिटा के पास में गए और एक स्पेशल अटैक लेते हैं यहाँ पर। तो चलो इसके अंदर घुसते हैं ए दबा के, और यार ये ए वाली जगह खाली है तो इसकी जगह पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बिग बैंग अटैक, जो कि बिल्कुल एंड में दिखाई दे रहा है। तो बैक करा यार, यहाँ तक तो अपना काम हो ही गया है, हमारे सारे अटैक चारों लाइन से बन गए हैं। तो बैक बैक करके वापस से अब हम आगे चलते हैं। तो यार अभी हमें ना बहुत स्पीड में यार उड़ना होगा, इस वजह से पहले तो मैं एक डायरेक्शन बना लूँ ताकि मैं सीधा सीधा आगे की तरफ चले जाऊँ। तो यार धीरे उड़ाना यार, बीच में फर्जी रोबोट आएंगे और मेरी हेल्थ को कम कर जाएंगे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वेजिटा होने के नाते मैं उनको मार डालूंगा, पर उनको मार डालने से यार मेरी स्टोरी पे यार बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो यार ये तीनों अपने रास्ते से जा रहे हैं जैसे कि इनको यार कोई परवाह ही नहीं है।
वेजिटा सुपर सियान यहाँ पर है, तुम देख लो भाई। तो वेजिटा कह रहा है, अच्छा अच्छा, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर घूमते हुए मिलोगे। अब तुम मेरे को बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो अभी, अगर तुम चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो भी। तो यार अपनी एंड्रॉइड 18 है ना, वो काफी ज्यादा सही जवाब देती है, तुरंत की तुरंत कहती है कि हम बस गोगू को ढूंढने जा रहे हैं और हम उसे मारेंगे। वेजिटा कहता है कि मैं तुम सब लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दूंगा। तो यार इतनी बात सुनते ही तो एंड्रॉइड 17 बोलता है, बस तुम्हारी यही चीज अब तुम्हें जल्दी से मार देगी। मेरे को तो यार ऐसा लगता है कि इन एंड्रॉइड्स को पता नहीं है कि वेजिटा के पास में कितनी ज्यादा पावर है और वो कितना इनको पीटेगा, इनको पीट पीट के भस भर देगा भाई इन सबके अंदर। तो यार एंड्रॉइड 18 वेजिटा की धमकी सुनने के बाद में कहती है एंड्रॉइड 16 से कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमने तुम्हारी एक भी बार फाइट नहीं देखी, तो तुम क्यों नहीं फाइट करते एक बार। तो यार एंड्रॉइड 16 बोलता है नेगेटिव, मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है गोकू को मारना। तो फिर एंड्रॉइड 18 ये सुनकर कहती है कि ठीक है फिर मैं करती हूँ ये काम। तो ट्रंक्स अपने पापा का नाम बुलाते हुए कह रहा है, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? तो वेजिटा कहता है, अच्छा तो तुम आ ही गए, तुम यार सच्ची में मेरे को परेशान करने पर लगे हुए हो। एंड्रॉइड 17 वार्निंग देते हुए कहता है कि वेजिटा और 18 अब फाइट करने वाले, तो इस वजह से तुम पीछे हट जाओ। एंड्रॉइड 17 कहता है, बस देखना ही मजेदार नहीं होता, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जब तक खेल लेता हूँ। तो यार ये तो खेलना कह रहा है इतनी खतरनाक फाइट को। एंड्रॉइड 18 कहती है, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, तुम लड़की हो इस वजह से मैं तुमसे आराम से फाइट करने नहीं वाला। तो यार ये जब भी आगे आ गई, और अब देखते हैं क्या होता है, बैटल स्टार्ट हो गई है। तो यार ये बोल रही थी पहले कि कोई इंटरप्शन नहीं होगा, है ना, ऐसा बता रही थी। तो भाई साहब इसको एक बिग बैंग अटैक दिया है, और ऊपर से इसको गैलिक गन का अटैक दिया है ना, इससे इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। पहली बात तो ये भाई 50,000 का सीधा डैमेज जाता है बिग बैंग का, देखना 54,000 का डैमेज। भाई अगर मैं बिग बैंग भी लगातार करते रहूँ ना, ये खल्लास है पूरी। तो यार ऐसा लगातार होने भी नहीं देगी, क्योंकि यार इतना आसान भी नहीं रहेगा ऐसा हराना, क्योंकि यार एंड्रॉयड है। भाई साहब क्या मतलब धमाकेदार अटैक है यार, बिग बैंग अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खतरनाक, यार क्या ही मस्त अटैक है यार। अब भैया मुझे अभी बचना पड़ेगा, पर यार बच नहीं पाया मैं, थोड़ा भी इससे थोड़ा सा और बचना पड़ेगा यार अटैक करते करते। देखो अपने अटैक से खुद मैं पीछे हो जा रहा हूँ, कितना ज़्यादा खतरनाक अटैक है। अब यार इससे कैसे बचे, इसके पीछे घुसा मार उसने यार, इससे नहीं बच पाया। मैं सोचा था यार ये जब फायर कर रही थी तो पीछे से घुसा मार दो, पर यार हो ही नहीं पाया, और अब ये मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया, अब नहीं जाएगा मेरा अटैक। उसके यार कैसे करके जल्दी से बच रूँ यार। अरे 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 भाई बहुत स्पीड में जल्दी आ जाती है हमारे सामने, ये हमारी आंखों में जल्दी से धूल झोंक के आगे आ जाती है, और ये ले बिग बैंग अटैक। यार इस बार थोड़ा कम डैमेज गया है 47 का, बट कोई बात नहीं, 47 काफ़ी ज़्यादा होता है यार, 47,000। और यार अब तो इसकी 1,96,000 भी रह रही है, और अभी हमारी इसी जगह पर 5.5 लाख की करीब है, और ये लग रहा है खत्म हो जाएगी, क्योंकि पावर मारे जा रही है। अब बिल्कुल चैनल नहीं दे रही यार। अरे अरे भाई मेरे को लगा था काफ़ी आसान होगा, पर यार इसने तो बिल्कुल एंड आते आते इतनी ज़्यादा अटैक की स्पीड बढ़ा दी और डैमेजेस बढ़ा दिए, भाई इससे बचा ही मुश्किल हो रहा है। ओह भाई सब गया, मैं सोचा पीछे से मार दूंगा, पर यार मेरे पास जो एनर्जी होती है वो तो रही नहीं, पूरा यार काम तमाम हो गया मेरा पीछे जाके। यार ये अपने अटैक को नहीं रोकती, चाहे हम कितना भी बड़ा अटैक करें। अरे ये कैसे सामने आ गई, मतलब साइड में होगी वापस, मेरा ये गैलिक गन का अटैक खाने के लिए सामने आ गया, बड़ी अजीब है ये, पर कोई बात नहीं, मान लिया 50,000, और यार हम वापस से पीछे ढकेल गए। अरे अरे इससे पहले यार जल्दी से बचना होगा, बस कैसे भी करके जल्दी से बच लें इससे, फिर इसे देते हैं। अरे अरे ये इस बार रुक गई यार, ये तो अजब आती है ना सामने, जब नहीं रुक पाती, एक तो टक्कर मार के ही जाती है ये, खत्म। तो यार इसका तो सीन हमने पूरा खत्म कर दिया, अब यार और लोगों ने भी अपना अपना काम कर ही लिया होगा जहाँ तक है। तो यार देखते हैं अब पिकोलो और उन सब ने अपना काम करा कि नहीं। वेजिटा तो यार बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा है, और ये बिल्कुल सीधी आराम से खड़ी हुई है। एंड्रॉइड 18 कह रही है कि मैं इम्प्रेस हुई कि तुमने इतनी देर तक बनाए रखा ये। वेजिटा को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है यार, कैसे भाई बहुत उछल रहा था, क्योंकि इससे पहले वेजिटा इसको बहुत बुरा लग रहा है कि यार इससे कैसे हार गया भाई। वेजिटा का तो पता नहीं अब क्या होगा, गया
उसका यार, वेरिटा का तो उसने बिल्कुल ही काम तमाम करके रख दिया साइड में। और ट्रंक्स, टीएन और पिकोलो ये भी पिट रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई कुछ नहीं रहा, सब पीटे गए भाई। एंड्रॉइड्स ने तो यार मार ही डाला इनको। और यार पास्ट में आके ट्रंक्स ने सोचा था कि सब कुछ सही कर देंगे, पर यार ऐसा हो नहीं पाया। बस क्रिलिन ही यहाँ पर अभी रह गया। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो अभी भी जिंदा है, और जल्दी करो उनको अपनी जो सेंसू बीन्स हैं वो दे दो। फिर अपने यार पार्टनर से बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए क्या। एंड्रॉइड 18 पूछती है कि क्या हम उनसे पूछने नहीं वाले कि गोकू किधर है। फिर यार एंड्रॉइड 17 कहता है कि हम उन्हें अपने बलबूते पे ढूंढेंगे, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। एंड्रॉइड 18 कहती है तुम कभी कभी बच्चों की तरह करते हो एंड्रॉइड 17, तुम्हें ये पता है क्या। एंड्रॉइड 17 कहता है तुम्हें ऐसा लगता है। तो यार यहाँ पर इन दोनों में बात चल रही है कि गोकू के बारे में इनसे पूछें, और वो दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं यार अब तो अपना चलते ही है, ऐसे खुद ही ढूंढेंगे। पता नहीं इनका क्या चल रहा है। क्रिलिन कहता है एक साथ हे रुको। एंड्रॉइड 17 कहता है हाँ अब तुम क्या चाहते हो। क्रिलिन बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा मतलब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड्रॉइड 17 बताता है अच्छा पहले तो हम गोकू की देखभाल करेंगे, और फिर होता है मेरा मतलब तुम गोकू के पीछे क्यों पड़े हुए हो। एंड्रॉइड 17 बताता है हे ये बस एक गेम है, मेरा मतलब कि गोकू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है हम सबके आसपास में, क्या मैं सही हूँ। क्रिलिन बोलता है कि तुम शायद रुकोगे नहीं क्योंकि मैंने तुमसे पूछा है ना। तो एंड्रॉइड 16 बोलता है एक साथ नेगेटिव, हमको तो बस इसी काम के लिए बनाया था ताकि गोकू को मार सके हम। फिर एंड्रॉइड 17 कहता है कि तुमने उस बंदे की बात सुनी, हाँ तो तुम अब ऐसा करो हमसे बात करने की बजाय अपने दोस्तों की मदद करो क्योंकि वो मरने वाला है। और यार यहाँ पर एंड्रॉइड 18 इसको बहुत बुरा मार लग रहा है भाई, पप्पी दे गई ये तो।